हेलो फ्रेंड्स, आज हम एल्टिस्टार 22 स्नाइडर मेक सॉफ्ट स्टार्टर को प्रोग्राम कैसे करते हैं और इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज हम सॉफ्ट स्टार्टर को सप्लाई देने के बाद यानी कि पावर अप करने के बाद टेस्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी इलेक्ट्रिकल रेटिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सॉफ्ट स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कौन से टर्मिनल पे कौन सी वायरिंग की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो CL1 और CL2 जो टर्मिनल है, यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर की ऑक्सिलरी सप्लाई दी जाती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में दो आउटपुट कॉन्टेक्ट होते हैं, एक R1 और एक R2। जो R1 आउटपुट होता है वो रन फीडबैक के लिए यूज किया जाता है एंड R2 कॉन्टेक्ट जो है वो फॉल्ट फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। और ये सेटिंग कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट में आती है। यदि आप चाहो तो इसको एडवांस मोड में जाने के बाद इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वायरिंग आती है फ्रेंड्स, वो आती है डिजिटल इनपुट यानी कि स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट कमांड। आप देख सकते हैं जो येलो कलर का 24 वोल्ट लिखा हुआ है वो डिजिटल इनपुट के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम सॉफ्ट स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट की कमांड देते हैं। ये 24 वोल्ट इसमें इंटरनल जनरेट होती है, जैसी ऑक्सिलरी सप्लाई जाती है इसमें इंटरनल जनरेट हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर को मोड बस के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इसमें RJ45 कम्युनिकेशन की वायरिंग की जाती है, जिसके थ्रू सॉफ्ट स्टार्टर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में चार बटन होते हैं, एस्केप, अप डाउन एंड एंटर। इन चार बटनों का यूज करके ही सॉफ्ट स्टार्टर के स्टेटस की पूरी जानकारी हम कलेक्ट करते हैं और इन्हीं चार बटनों से हम इसको कॉन्फिगर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्टार्टर में इंटरनल चार LED आती है जो कि रेडी कम्युनिकेशन रन एंड ट्रिप को शो करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ट्रिप वाली होती है, जब भी सिस्टम में कोई फॉल्ट आएगा तो ट्रिप इंडिकेशन यहां पे शो करेगा। ऐसे जब सॉफ्ट स्टार्टर रन में होगा तो रन की LED आएगी। आप देख सकते हैं रेडी की LED पहले से यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रही है। CR1 में जो भी एक्चुअल डाटा यानी कि करंट जो भी चल रहा होगा हमारा R फेज में वो शो करेगा। ऐसे LCR2 में Y फेज का करंट शो करेगा और ऐसे LCR2 में यहाँ पे बी फेज का करंट एक्चुअल डाटा जो होगा शो करेगा। LI1 यहाँ पे डिजिटल इनपुट और LI2 डिजिटल आउटपुट को शो करता है। फ्रेंड्स, अब हम सॉफ्ट स्टार्टर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं जो कि हमारी मोटर रन करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेल्टा है, ऐसे ये UIN यानी रेटेड वोल्टेज है, ऐसे ये रेटेड करंट है मोटर की जो कि यहाँ पे डाली जाती है, ऐसे ये कोड यानी कि लॉक है और ये LAC एडवांस मोड है। आप देख सकते हैं ICL यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे जो 170 है ये मोटर की रेटेड सॉफ्ट स्टार्टर की रेटेड करंट है, जो कि सॉफ्ट स्टार्टर की मैक्सिमम रेटेड करंट है वो 170 है। 170 से ऊपर ये लोड नहीं लेगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो है वो डेल्टा यानी कि डेल्टा के अंदर लाइन और डेल्टा सेट किया जाता है। डिफॉल्ट में लाइन आता है तो हम यहाँ पे इसको लाइन ही रखेंगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा UIN यानी कि वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज जो कि हमारी 415 होती है, जो कि हमने यहाँ पे 415 सेट किया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो आता है वो आता है रेटेड करंट यानी कि मोटर, जो इस मोटर को हम रन करेंगे उसके ऊपर जो भी रेटेड वोल्ट करंट लिखा रहता है वो यहाँ पे डाला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये सॉफ्ट स्टार्टर उसको कंसिडर कर लेता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो आता है वो आता है सेटिंग लॉक, यहाँ पे हम सेटिंग को लॉक कर सकते हैं जो कि N लॉक रहता है, इसीलिए हम सेटिंग को लॉक यहाँ पे नहीं करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे LAC यानी कि होता है एडवांस मोड जो कि डिफॉल्ट में ऑफ आता है। यदि हम इसको ऑन कर देंगे तो हम सॉफ्ट स्टार्टर के एडवांस प्रोटेक्शन मोड में चले जाएंगे। प्रकार फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने सॉफ्ट स्टार्टर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में। फ्रेंड, जो सेटिंग का पहला एलिमेंट है वो T90 जिसको इनिशियल वोल्टेज कहते हैं, जो कि डिफॉल्ट में 30% आता है जैसा कि आपने देखा। उसके बाद आता है सेकंड एलिमेंट है ILT जो कि करंट लिमिट है, जो कि डिफॉल्ट में 350 सेट होके आता है। उसके बाद आता है TLC यानी कि मैक्सिमम
स्टार्ट टाइम जो कि डिफॉल्ट में 15 सेकंड आता है, जो कि हमने 20 सेकंड किया हुआ है। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है जिसकी हम सेटिंग कर सकते हैं वो होता है एक्सीलरेशन, जो कि डिफॉल्ट में 10 सेकंड आता है, इसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डीएक्सीलरेशन, जो कि डिफॉल्ट में फ्री आता है, इसकी सेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, जो कि 1 सेकंड से 60 सेकंड तक इसको हम सेट कर सकते हैं। डीएक्सीलरेशन मतलब मोटर रुकने का जो टाइम होता है वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि वो कितनी सेकंड में रुकना चाहिए। डिफॉल्ट में फ्री आता है तो हम इसको भी सेट कर देते हैं 10 सेकंड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन बटन से वैल्यू को डिक्रीज और अप बटन से वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 10 सेकंड सेट करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये 10 सेकंड सेट हो। उसके बाद आता है ईडीसी। ईडीसी मतलब एंड ऑफ डी एक्सीलरेशन। एलिमेंट होता है टीएचपी यानी कि मोटर थर्मल प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स ये हमारी टेस्टिंग मोटर है जिससे हम सॉफ्ट स्टार्टर को टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड ये हमारा C1X कॉन्टेक्टर है जिससे हम सॉफ्ट स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप कमांड देने वाले हैं। इसी कॉन्टेक्टर के थ्रू हम सॉफ्ट स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप कमांड देने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा K2 कॉन्टेक्टर है जो कि रन कॉन्टेक्टर हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद आप देखेंगे K1 कॉन्टेक्टर है, ये फॉल्ट कॉन्टेक्टर है। आप देखेंगे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये डिजिटल इनपुट है जो कि सॉफ्ट स्टार्टर पे गया है स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए 221 जो फेरुल आपको देख सकते हैं। और उसके बाद एक कॉमन वायर है J102A, आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप कमांड है। और ये देख सकते हैं आप J102A है जो कॉमन है जो कि 24 वोल्ट जनरेट होती है इसमें ऑटोमेटिक। यहाँ से रिसेट हमने यूज किया है, देखिए 102 इसमें गया, उसके बाद वहाँ से निकला J203 का वायर जिससे हम रिसेट कमांड देंगे। अभी आगे आप देखेंगे हम इसको जैसे स्टार्ट कमांड देंगे उसके बाद हम इसमें फॉल्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इसको रिसेट करेंगे यहाँ से। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी हमारा सिस्टम रेडी है, यानी कि यहाँ पे ऊपर 3 फेज आया हुआ है इसलिए रेडी है। जैसे हम 3 फेज ऑफ करेंगे सिस्टम हमारा नोट रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं ये मैंने इसकी सप्लाई ऑफ की, देखिए आप रेडी सिग्नल अट गया और ये नोट रेडी हो गया था, रेडी दोबारा से हो गया सप्लाई ऑन की। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा मोटर ऑफ है, जैसे हम यहाँ से ग्रीन बटन से स्टार्ट कमांड देंगे हमारा मोटर ऑन हो जाएगा और जैसे कोई फॉल्ट आएगा रिसेट बटन से इनको रिसेट कर सकते हैं और मोटर ट्रिप का ऑप्शन आएगा। देखिए हमने स्टार्ट कमांड दिया, मोटर रन हो गया, यानी कि K2 कॉन्टेक्टर हमारा यहाँ पे रन कर गया है, जो हमारी देख सकते हैं आप मोटर यहाँ पे ऑन है। अभी हम यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट करेंगे, देखिए हमारा सॉफ्ट स्टार्टर भी रन है और एम्पियर यहाँ पे 3 चल रहा है, देखिए हमारा मोटर रन है, देखिए हमारा मोटर चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे एक फेज इसका निकाल लेंगे जिससे हमारा फेज फेलर हो जाएगा और मोटर हमारा ट्रिप हो जाएगा। देख सकते हैं हमने एक वायर निकाला, आप देख सकते हैं लगभग 1 या 2 सेकंड के बाद ये मोटर ट्रिप हो जाएगी। देखिए ये हमारा मोटर ट्रिप हो गया, देखिए मोटर ट्रिप हो गया है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में भी PHE यानी कि फेज फेलवर लिखा आ रहा है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में ट्रिप लाइट भी यहाँ पे जल रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कोई भी फॉल्ट होगा तो ट्रिप लाइट जलेगी। आप देख सकते हैं ट्रिप लाइट जल रही है। उसके बाद हम यहाँ इसको रिसेट करेंगे, मोटर ट्रिप को रिसेट पुश बटन से, देखिए ये हमने इसको रिसेट किया और ये हमारा मोटर यहाँ पे यानी कि जो फॉल्ट आया था सॉफ्ट स्टार्टर हमारा रिसेट हो गया और यहाँ पे देखिए ट्रिप लाइट का इंडिकेशन भी चला गया है। रिसेट होने के बाद हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर है दोबारा से रन कमांड लेने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको सॉफ्ट स्टार्टर को फैक्ट्री रिसेट करना भी सिखाने वाले हैं। यदि गलती से आपकी सेटिंग गलत हो जाती है तो आप उसको फैक्ट्री रिसेट करके उसकी सेटिंग दोबारा से कर सकते हैं। उसके लिए आपको अप बटन एंड एस्केप बटन को 1 सेकंड के लिए दबाने के बाद उसमें यूटिलिटी आएगा, एंटर दबाने के बाद टेस्ट आएगा, डाउन बटन दबाने के बाद आप इसमें FCS पे जाएंगे तो FCS ये फैक्ट्री रिसेट डेटा है, इस पर एंटर करेंगे तो गुड का ऑप्शन श्योर का ऑप्शन आएगा, श्योर करने के बाद यहाँ पे गुड आएगा यानी कि आपका डेटा फैक्ट्री रिसेट हो गया है। इस प्रकार यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली सभी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग ड्राइंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।